हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. क्राई टू एवी प्रोड्यूसेस अ टॉक्सिन दैट कंट्रोल्स. तो यहाँ पर क्राई टू एवी जीन की बात कर रहे हैं. ये जीन कहाँ से आता है? ये जीन आता है बेसिलस थुरिंजियंसिस से. ठीक है, बेसिलस थुरिंजियंसिस ये एक बैक्टीरिया है. इस बैक्टीरिया के अंदर क्राइजीन होते हैं, क्राइजीन. और ये क्राइजीन क्या बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है? क्राई प्रोटीन. ठीक है, अब यहाँ पर आप क्या देखते हैं, क्राई टू ए बी जो होता है ना, ये प्रोड्यूस करता है एक टॉक्सिन जो कंट्रोल किया जाता है उसके उससे किसे कंट्रोल किया जाएगा? तो डिफरेंट डिफरेंट क्राइजीन आप पढ़ते हैं. आप पढ़ते हैं क्राई वन ए सी, ओके, क्राई टू ए बी, क्राई टू ए बी और क्राई वन ए बी, क्राई वन ए बी. ठीक है, तो यहाँ पर क्राई वन ए सी, क्राई टू ए बी किसको कंट्रोल कर रहे हैं? ये कंट्रोल करते हैं कॉटन बॉल वॉर्म को, कॉटन बॉल वॉर्म, ओके. और क्राई वन ए बी किसको कंट्रोल कर रहा है? कॉर्न बोरर, कॉर्न बोरर, ओके. तो यहाँ क्राई टू ए बी बोला है, क्राई टू ए बी किसको कंट्रोल कर रहा है? कॉटन बॉल वॉर्म को. ऑप्शन ए इज करेक्ट है. कॉर्न बोरर, टोबैको बड वॉर्म, निमेटोड्स. निमेटोड्स के लिए हम आरएनएआई टेक्नोलॉजी टेक्निक यूज करते हैं, आरएनए इंटरफेरेंस. तो यहाँ ये तीनों इनकरेक्ट है. करेक्ट ऑप्शन जो बन रहा है वो ऑप्शन है. इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन यूएनसीआरटी क्लास 12 पेज नंबर 180 पर गिवन है. थैंक यू.